हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का जो मैंने नोट्स बनाया है आप लोगों के एनसीईआरटी बुक से बनाया है, इसलिए अगर आप इसको स्टडी करते हैं समझते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है कि क्या हम लोगों के आसपास का सब्सटेंस प्योर है, तो इसके लिए हम लोगों को तो डेफिनेशन जानना होगा ना। तो एक प्योर सब्सटेंस उसी को कहते हैं जिसका सारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का केमिकल नेचर सेम होगा, या दूसरा डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि एक प्योर सब्सटेंस वही है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ हो। और यहाँ पार्टिकल्स कहने का क्या मतलब होगा, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। हम लोगों के आसपास जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो सभी प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उसमें सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल्स है। एक प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस होता है थ्रू आउट इट्स मास। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि देखने में एक जैसा होगा। एक प्योर सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं दूसरे काइंड ऑफ मैटर्स में किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। तो प्योर सब्सटेंस का अगर एग्जांपल लेंगे एलिमेंट्स में से, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अभी आज के डेट में लगभग 119 एलिमेंट्स जाना जा रहा है, तो ये सभी एलिमेंट्स प्योर कहलाएंगे। कंपाउंड्स लेंगे, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो वाटर का कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम है, केमिकल नेचर सेम है, पूरी जगह पूरा वाटर जो है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से बना हुआ है, इसीलिए कंपाउंड वाटर जो है वो भी प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिक्सचर। मिक्सचर किसको कहते हैं, काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल्स से बना हुआ हो, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल से। जैसे मिल्क ले लीजिए, एग्जांपल है मिक्सचर का। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ है वाटर से, फैट से, प्रोटीन से। जितने भी मिक्सचर्स हैं वो सभी इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है एक से ज़्यादा काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। मिक्सचर जो है होमोजीनियस भी हो सकता है या हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो होमोजीनियस किसको कहते हैं, होमोजीनियस का मतलब हुआ कि उसका कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम हो, वो देखने में एक जैसा लगे। लेकिन हेट्रोजीनियस का मतलब हुआ वो एक समान नहीं लगेगा। इसका डिफरेंस हम लोग देखते हैं। जब हम लोग डिफरेंस देखेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, तो एक नंबर में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा मिक्सचर जिसका पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐसा मिला हुआ हो कि हमको ये बता पाना बहुत ही दिक्कत होगा कि कहाँ पे क्या कौन सा चीज़ है, तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहेंगे जिसमें कि स्मॉल पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स या बबल्स हम लोगों को अलग दिखेगा, और उसका जो है कंपोजिशन जो होगा वो सब एक जैसा समान थ्रू आउट नहीं दिखेगा। सेकंड नंबर पॉइंट में हम लोग कहेंगे एक होमोजीनियस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मास, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है थ्रू आउट द मास। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें पॉइंट नंबर 3 हम लोग लिख सकते हैं, इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देयर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। यानी कि अलग अलग जो पार्टिकल से मिल करके वो बना हुआ है मिक्सचर, उसके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होगा। जैसे कि आप ले लीजिए एक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड
सॉल्ट या वाटर एंड शुगर या वाटर एंड आप ले लीजिए वाटर एंड क्या लीजिएगा सॉल्ट ले लीजिए मड ले लीजिए, आपको अलग अलग नहीं दिखेगा। चीनी ऐसा घुल जाता है आपको बता ही नहीं पाइएगा कहां पर चीनी है कहां पर आपका पानी है। लेकिन हेटरोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन साफ साफ दिखेगा हम लोगों को। जैसे हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए एग्जांपल हेटरोजीनियस मिक्सचर का कि आयरन फाइलिंग एंड सल्फर, तो हम लोगों को साफ दिखेगा कहाँ पे आयरन है कहाँ पे सल्फर है। अगर हम लेते हैं अल्कोहल एंड वाटर तो आप नहीं बताइए पाइए कहाँ पर अल्कोहल है कहाँ पर वाटर है, वो सेम लगता है थ्रू आउट द से कंपोजिशन, इसीलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर का। एग्जांपल में आप देखिएगा एक एग्जांपल हो गया शुगर सॉल्यूशन, अल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेट्रोल एक्सेट्रा। और जब हम लोग आते हैं हेटरोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल में तो इसको हम लोग देख सकते हैं पेट्रोल एंड वाटर आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर का मिक्सचर, ये एग्जांपल हो गया हेटरोजीनियस मिक्सचर। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। एक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, एक सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का। जैसे कि अभी हम लोगों ने होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल देखा था ना, शुगर सॉल्यूशन, अल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये सब क्या है एक तरह से सॉल्यूशन हुआ समझिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो है एक सॉल्यूट पार्ट है एक सॉल्वेंट पार्ट है। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, एग्जांपल ले लीजिए लेमोनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा। अब हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो हो सकता है वो सॉल्यूट सॉल्यूट का सॉल्यूशन हो सकता है जैसे कि एलॉय, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन हो सकता है जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन हो सकता है जैसे कि विनेगर सॉल्यूशन, यानी कि एसिटिक एसिड को पानी में मिलाया हुआ। सॉल्यूशन गैस इन लिक्विड हो सकता है, एग्जांपल ले लीजिए सोडा वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है पानी में। नेक्स्ट टाइप हो सकता है गैस इन गैस, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर का एयर, इसमें वेरियस गैसेस मिले हुए हैं मिक्स्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलॉयज। एलॉयज क्या होता है, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है लेकिन किसका, मेटल्स का। उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है अपने कंपोनेंट्स में किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल मेथड से। लेकिन फिर भी एक एलॉय को मिक्सचर ही माना गया है। क्यों, क्योंकि ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज को शो करता है और इसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है। जैसे कि आप देखिए ब्रास एक एलॉय है, वो एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का। क्यों, क्योंकि ये 70% कॉपर और 30% जिंक से बना हुआ है। एक सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है, सॉल्यूट पार्ट एंड सॉल्वेंट पार्ट। सॉल्यूट किसे कहते हैं, वो सब्सटेंस जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा किसी भी सॉल्यूशन में, कम मात्रा में। जैसे कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, यानी कि शुगर सॉल्यूशन लेंगे तो शुगर हम लोग कम लेते हैं, चीनी कम लेते हैं, पानी ज़्यादा लेते हैं, तो शुगर सॉल्यूट कहलाएगा। और जो ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्वेंट का डेफिनेशन क्या होगा, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। शुगर सॉल्यूशन में वाटर एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्वेंट का। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सॉल्यूशन का और वो उसमें क्या, कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है उसके बारे में। शुगर सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट आपका शुगर होगा, वाटर सॉल्वेंट है। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट इसका सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। टिंचर ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन जो है ये सॉल्यूट है और अल्कोहल जो है सॉल्वेंट है। विनेगर सॉल्यूशन, तो एसिटिक एसिड सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है।
सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पॉइंट नंबर वन में कह सकते हैं। पार्टिकल्स जो होता है सॉल्यूशन का बहुत ही छोटा होता है और उसको हम लोग नैनोमीटर में नापते हैं। एक नैनोमीटर 10^-9 मीटर होता है। तो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूशन का होगा वो लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन को छोड़ दें थोड़ी देर तो वो सॉल्यूशन स्टेबल है, इसलिए क्या होगा उसका पार्टिकल्स जो होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेपरेट आउट नहीं होता है। ये पॉइंट नंबर 4 में हम कह सकते हैं। पांचवा पॉइंट हम कह सकते हैं कि एक ट्रू सॉल्यूशन जो होगा वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है। कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है इस बात के अनुसार हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन। एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसी सॉल्यूशन को कहेंगे जिसमें कि और सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुआ। याद रखिएगा, और हम डिसॉल्व कर सकते हैं बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुआ। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहेंगे जिसमें कि और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर हम चाहें कि और उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करें तो उसके लिए हमको टेम्परेचर को चेंज करना होगा, इसीलिए उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है किसी भी सॉल्वेंट में, उसको हम लोग उसका सॉल्युबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, वो अनसैचुरेटेड में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट जो है इंक्रीज कर जाता है हीट करने के बाद, क्योंकि जब हम लोग हीट करते हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर भाग जाते हैं, इसलिए जगह और बन जाता है, इसलिए और सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खूब हीट करते जाइए, खूब टेम्परेचर बढ़ाते जाइए और खूब इनडेफिनिट अमाउंट ऑफ आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हम लोग क्या देखें कि अगर हम लोगों को कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और हम चाहते हैं कि उसमें और डिसॉल्व करें तो क्या होगा, हम लोगों को टेम्परेचर बढ़ाना होगा। यही हुआ इफेक्ट ऑफ हीटिंग, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कि अगर कूल करते हैं तो क्या होता है। अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग कूल करेंगे लोअर टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर पे है उससे और कम टेम्परेचर कर देंगे, तो उसमें जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना वो निकल जाएगा सॉलिड क्रिस्टल्स के रूप में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिक्रीज करने के बाद सॉल्युबिलिटी घटता है, इसीलिए क्या होगा सॉलिड पार्टिकल्स बाहर निकल आता है क्रिस्टल्स के रूप। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है या डिसॉल्व किया हुआ है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। इफ द सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए लिक्विड होगा, तब उसका फॉर्मूला हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर ये सॉल्यूशन ऐसा है कि उसमें सॉलिड जो है सॉल्यूट है, यानी कि सॉल्यूट को घुलाया गया है किसी भी लिक्विड में,
तब उसका फॉर्मूला ये वाला हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई लिक्विड को डिसॉल्व किया गया है किसी दूसरे लिक्विड में, तब उसका कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बदल जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, जैसा कि आप फॉर्मूला देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये अलग अलग फॉर्मूला है, इसलिए कि अलग अलग न्यूमेरिकल आप बनाने में आपको मदद हो, इसीलिए मैं बता दिया हूँ दोनों फॉर्मूला को। तो आइए अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक जो है सॉल्यूशन कंटेन करता है 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट 320 ग्राम पानी में। कैलकुलेट कीजिए कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखिएगा, इसका आंसर कैसे बनाइएगा, इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कीजिएगा, इस तरह से। मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 40 ग्राम। सॉल्यूट क्या है, कॉमन सॉल्ट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि पानी क्या है, 320 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम बराबर हो जाएगा 360 ग्राम। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास, क्या होगा फॉर्मूला आपका, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। तो लिखिए 40 ग्राम बाय 360 ग्राम इनटू 100। देखिए मैं ग्राम ग्राम काट दिया हूं, 0 0 काट दिया 40 और 360 का, 4 1 जा 4 9 जा, तो इज इक्वल टू क्या हुआ 100/9%। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11.1%। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू में क्या देखेंगे हम लोग कि इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको लिखेंगे हम लोग मास ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूट 110 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 550 ग्राम। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो लिखेंगे हम लोग इक्वल टू दे करके 110 ग्राम बाय 550 ग्राम इनटू 100%। ग्राम ग्राम कट गया, देख लीजिए जैसा मैं बनाया हूँ, 0 0 कट गया ऊपर नीचे, 11 1 जा 11 5 जा, फिर 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 20%, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे हम लोग। ए सॉल्यूशन कंटेंस 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स्ड विथ 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट भी लिक्विड है सॉल्वेंट भी लिक्विड है, और स्टार्टिंग वाले एक नंबर और दो नंबर में क्या दिया था, सॉल्यूट हमारा सॉलिड था और सॉल्वेंट लिक्विड था। उस समय हम लोग क्या किए थे, मास वाला फॉर्मूला यूज किए थे। यहां दिया हुआ हम लोगों को लिक्विड दोनों चीज, इसलिए हम लोग वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल यानी कि ब्रैकेट में सॉल्यूट इज इक्वल टू 50 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर इज इक्वल टू 150 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 50 ml प्लस 150 ml यानी 250 ml। तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100%। तो लिखेंगे 50 ml बाय 250 ml इनटू 100%। ml ऊपर नीचे काट देंगे, ये 20 200 का और 20 100 का कैंसिल करेंगे, 2 1 जा, 50 को कैंसिल करेंगे 2 से, 25 आएगा, इसलिए आंसर हो गया 25%। देखिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पे तीन और क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। नीचे साइड में मैं उसका आंसर भी लिख दिया हूँ, आप लोग क्या कीजिए इन सभी सम्स को बनाइए, इसका आंसर लाने का कोशिश कीजिए जो फॉर्मूला मैं बताया हूँ, और आंसर मिलाइए। सही आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको बना करके डाल दूँगा। और
इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं पार्ट टू बनाऊँ इसका या और जो भी चैप्टर्स आप लोगों का काम का बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। थैंक यू।